Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. Previous tutorial में हमने देखा था nuclear waste disposal, okay? Nuclear waste handling हमने किस तरीके से उसको categorize किया था और उस हिसाब से किस तरीके से nuclear waste को dispose किया जाता है, ये हमने पिछले tutorial में देख लिया था. तो आज हम देखने वाले हैं nuclear shielding, okay? न्यूक्लियर शील्डिंग इज ऑल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो इन तीनों में से अगर कोई भी नाम आपको देखे एग्जाम में या फिर कहीं भी, तो आप कन्फ्यूज मत होइए. ओके, न्यूक्लियर शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही है, बस उसके नाम ये तीन है. ओके, इस तरीके से पूछा जा सकता है इन तीनों नामों में से कोई एक नाम लेकर. ओके, सो आज हम देखेंगे न्यूक्लियर शील्डिंग एग्जैक्टली होता क्या है. तो न्यूक्लियर शील्डिंग बेसिकली एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है. न्यूक्लियर शील्डिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियस बना हुआ है, एक सिंपल सी डायग्राम है, ऑर्बिट्स है, इनर शेल और आउटर शेल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं और बीच में एक न्यूक्लियस है. ओके, तो न्यूक्लियस के शेल्स है, ऑर्बिट्स है. तो एग्जैक्टली न्यूक्लियर शील्डिंग होता क्या है ये हम देखते हैं. ओके, ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो न्यूक्लियस विल होल्ड दी पॉजिटिव चार्ज. और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, इन सब का कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज. ओके, तो वी ऑल नो अपोजिट अट्रैक्ट्स. ठीक है, क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्जेस के हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियस और ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है. और उसके साथ साथ ये जो आउटर शेल है, आउटर शेल के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो भी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होंगे. लेकिन ये जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही क्लोज है न्यूक्लियस से एज कम्पेयर टू द आउटर शेल न्यूक्लियस, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा, न्यूक्लियस के बीच में और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो भी फोर्स रहेगा, वो फोर्स बहुत ही कम रहेगा. और जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें और न्यूक्लियस में जो फोर्स रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत ही क्लोज है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अब क्या होता है, जब ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो जब न्यूक्लियर शेल के साथ जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं और साथ साथ जब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के साथ, न्यूक्लियस के साथ साथ अट्रैक्ट होते हैं, तब ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दिख रहा है आपको एरो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स और ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो नेगेटिव होता है. जब ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से ये दोनों चार्जेस साथ साथ आने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, मींस ये दोनों के दोनों इस तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपको पता है कि ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्योंकि सेम चार्जेस है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव विल गेट रिपेल. ओके, तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, और ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब न्यूक्लियस की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स आ जाएगा. ओके, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिपल्शन फोर्स. तो इस रिपल्शन की वजह से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन और इनर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स आएगा, उसकी वजह से ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ पाएंगे, क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएंगे. और इसकी वजह से आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के पास किसी को नहीं आने दे रहे. क्यों, क्योंकि ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑब्वियसली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे, बिकॉज ये दोनों के पास सेम चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव. ओके, तो इसकी वजह से जो ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होगा रिपल्शन का, ठीक है, उसकी वजह से
न्यूक्लियर की तरफ आउटरशेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे, और हम ये कह सकते हैं कि जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है हमारे न्यूक्लियस को, किसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस की तरफ आने नहीं दे रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने क्या किया है, एक शील बना के रख दिया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, एक मिनट एक मिनट। तो ये जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर के जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है इसके बाहर के, ठीक है, अब इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट है सबसे पास है न्यूक्लियस के, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास आने नहीं दे रहे, मतलब इन्होंने एक शेल तैयार कर रखा है, ठीक है, एक शील्ड तैयार कर रखी है, कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे हम, शील्ड। ओके, शील्ड तैयार कर रखी है, तो इस शील्ड को हम बोलेंगे न्यूक्लियर शील्ड। कौन सी शील्ड है ये, न्यूक्लियर शील्ड। ओके, तो ये है न्यूक्लियर शील्ड। तो इस तरीके से फॉर्म होती है न्यूक्लियर शील्ड, कैसे फॉर्म होती है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे, ये भी अट्रैक्ट होंगे, ये भी अट्रैक्ट होंगे और ये भी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये जो सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, ये शील्ड तैयार कर लेंगे और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों से रिपेल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये रिपेल हो जाएंगे, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इनर्शियल इलेक्ट्रॉन के अलावा आउटर शेल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब इन्होंने एक शील्ड तैयार कर रखी है, तो इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियर शील्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली होता क्या है। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन शील्ड ईच अदर फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली ये शील्ड तैयार कर रखी है इलेक्ट्रॉन्स ने, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स ने, तो इसको हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। डिस्क्राइब्स द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इन एनी एटम विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन शेल, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेल है, इनर इलेक्ट्रॉन शेल भी है और आउटर शेल भी है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस इनर इलेक्ट्रॉन शेल की वजह से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, क्योंकि ये इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स ही इनको रिपेल करके दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में जा नहीं पा रहे, इसीलिए इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। ओके, उसके साथ साथ क्या बताया गया है, द शील्डिंग इफेक्ट समटाइम्स रिफर टू एज एटॉमिक शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग डिस्क्राइब्स द अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इन एनी एटम विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ये क्या क्या समटाइम्स क्या रेफर किया जाता है, एटॉमिक शील्डिंग या फिर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, इसका और एक नाम मीन्स और कई नाम है इसके, एटॉमिक शील्डिंग, न्यूक्लियर शील्डिंग या फिर एटॉमिक शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। ओके, तो इसके पांच पांच नाम है, न्यूक्लियर शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक शील्डिंग, वेट अ मिनट, और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। ओके, तो ये है इसके नाम। तो बेसिकली यही बताया गया है कि एक से ज्यादा इनर्शियल इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं और इसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर देंगे और इसकी वजह से बाहर की जो शेल्स है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम हो जाएगा। ओके, द शील्डिंग इफेक्ट कैन बी डिफाइंड इन एज द रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू डिफरेंस इन द अट्रैक्शन फोर्सेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीनिंग। ठीक है, This effect also has some significance in many projects in material science. The wider the electron shells are in space, the weaker is the electric interaction between the electrons and the nucleus due to screening. In general, we can order the electron shells SPDF as such. S is greater than P is greater than D is greater than F. Where S is the screening strength that a given orbital provides to the rest of the electrons. अब ये जो मैंने पढ़ा है मैं आपको समझाती हूँ exactly होता क्या है। यहाँ पे क्या बताया गया है? The shielding effect can be defined as reduction in the effective nuclear charge. ठीक है? ये shielding effect को अगर define करना होगा तो किस तरीके से करेंगे? Reduction in the
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियसली ये भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव प्रोटॉन है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, पर इसकी वजह से, इस शील्ड की वजह से इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि रिडक्शन इन द इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसमें क्या होगा, रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, ड्यू टू अ डिफरेंस इन द अट्रैक्शन फोर्सेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। इस एटम में जो अट्रैक्शन फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस होगा, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से जो रिडक्शन होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द शील्डिंग इफेक्ट, ओके। और क्या बताया गया है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीनिंग, दिस इफेक्ट ऑल्सो हैज सम सिग्निफिकेंस इन मेनी प्रोजेक्ट्स इन मटेरियल साइंस, द वाइडर द इलेक्ट्रॉन शेल्स आर इन स्पेस the weaker is the electric interaction between the electron and the nucleus due to screening, ठीक है, क्या बताया गया है कि जितना ज्यादा वाइड होगा इलेक्ट्रॉन शेल्स का और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस, अब इसकी बात अगर करें, सपोज इसकी बात अगर करें इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम है, और अगर इसकी बात करें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बताया गया है कि जितना ज्यादा स्पेस वाइड रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा स्पेस, उतना ही स्ट्रेंथ कम रहेगा उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ ड्यू टू द शील्ड इफेक्ट, ये शील्ड की वजह से उतना ही उनका अट्रैक्शन या फिर जो बॉन्ड रहेगा वो कम रहेगा। इन जनरल वी कैन ऑर्डर द इलेक्ट्रॉन शेल्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेल्स है अगर आप इसको नाम देंगे तो किस तरह से देंगे, शील्डिंग इफेक्ट सपोज अपन सी नाम दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी एस नाम दे रहे हैं एस, और ये अगर सपोज कोई वेट, अगर ये सपोज इसको हम एस नाम देते हैं, इसको पी नाम देंगे, इसके बाहर एक और अगर ऑर्बिट रहेगा उसको डी नाम देंगे, इसके बाहर एक और ऑर्बिट रहेगा उसको सपोज एफ नाम देंगे, तो इसके अगर हमें वीकनेस या फिर सॉरी इसकी जो स्ट्रेंथ हमें दिखानी है पर्टिकुलर ऑर्बिट्स की, ठीक है, तो वो कैसे दिखाएंगे, एस हमारा शील्डिंग इफेक्ट सपोज, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सबसे पहले इनर शेल का शील्डिंग इफेक्ट, ओके, उसके बाद एस कौन सा सेकेंड का, सेकेंड ऑर्बिट का, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट का डी, उसके बाद एफ का, ठीक है, सबसे लास्ट ऑर्बिट का। अब हम ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में होती है शील्डिंग की, तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहला जो शील्ड है, सबसे पहला जो शेल है उसकी स्ट्रेंथ दूसरे शेल से ज्यादा रहेगी, और जो दूसरा शेल है उसकी स्ट्रेंथ तीसरे शेल से ज्यादा रहेगी, जो तीसरा शेल है उसकी स्ट्रेंथ फोर्थ शेल से ज्यादा रहेगी, यही बताया गया है इसमें, क्यों, क्योंकि जो इनर शेल है उसका क्लोजनेस सबसे ज्यादा है, स्पेसिंग जो है वो सबसे कम है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, और जो लास्ट है एफ उसका स्पेसिंग जो है सबसे वाइड है, सबसे बड़ा है विद द न्यूक्लियस, तो इसकी वजह से इसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो सबसे कम रहेगा विद द न्यूक्लियस, इसका उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसका उससे भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जो सबसे फर्स्ट वाला शेल है इनर शेल उसका सबसे ज्यादा रहेगा, ओके, सो वेयर एस इज द स्क्रीनिंग स्ट्रेंथ, ये जो है एस, ये जो है एस इज स्क्रीनिंग स्ट्रेंथ, ओके, that give orbital provides to the rest of the electrons, that a given orbital provides to the rest of the electrons, to bas yahi tha hamara simple nuclear shielding ya fir shielding effect ya fir screening effect।
और एटॉमिक शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझा है तो डिटेल में और दो तीन बार ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये ट्यूटोरियल। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर शील्डिंग। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।